नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं अपर्णा चुनाव एक्सप्रेस लेकर पहुंच चुकी हूं राजधानी भोपाल से लगभग 330 किलोमीटर दूरी पर बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में। बुंदेलखंड की अगर बात करें तो 26 सीटें बुंदेलखंड में आती हैं और छतरपुर के अंदर आती है विधानसभा की 6 सीटें। 2018 की तस्वीर पर अगर गौर करें तो उस समय कांग्रेस के खाते में गई थी 4 सीटें, एक एसपी के पास और एक बीजेपी के पास। लेकिन उपचुनाव के बाद तस्वीर बदली और अब ये नंबर हो गया है 3 कांग्रेस की 3 बीजेपी की, यानी कि मुकाबला 50-50। अब सवाल यही खड़ा हो जाता है कि 2023 में इस 50-50 के खेल में 50 से 51 कौन होगा, यानी कि 3 से 4 या 5 या 6, यानी कि वो जादुई आंकड़ा किसको मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और छतरपुर में इसी पॉलिटिकल टेम्परमेंट को भांपने के लिए चुनाव एक्सप्रेस लेकर हाजिर है हम। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये मंच लग चुका है। पार्टी के खास मेहमान यानी कि प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे खास मेहमान लगातार अपने इस कार्यक्रम में हम बोलते रहते हैं वो है जनता जनार्दन। तो जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए ही बजा लीजिए, क्योंकि देखिए आज आपके सामने ये प्रवक्ता है, यानी कि आपके सवाल होंगे इनके जवाब होंगे। अगर आपका कोई आरोप होगा तो सामने ही ये जवाब देंगे। और अब मैं मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हैं दीप्ति पांडे जी, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीएसपी नेता हैं, वरिष्ठ बीएसपी नेता हैं बंस गोपाल अहिरवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल लेकिन दीप्ति पांडे जी, क्योंकि आप एक महिला प्रवक्ता हैं, मैं महिला एंकर हूं, तो थोड़ा सा आपके प्रति बायस होना बनता है, लेकिन सवाल मेरा ये है, योगी जी आए थे आज, बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ छतरपुर में ही कांग्रेस को बोझ बता दिया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम क्या कहते हैं, हमारे शब्द क्या होते हैं, इससे हमारे अंतर्मन का, हमारे विचारों का पूरा चिट्ठा सामने आ जाता है, चरित्र सामने आ जाता है। बोझ वही लोग बताते हैं जिनके लिए जनता ने उनको बोझ समझ लिया है। आज लोग कहते हैं कि जनता के मन में क्या है, तो आज मैं बता दूं योगी आदित्यनाथ जी को कि जनता ने आपको बोझ समझ लिया है। और इसका प्रमाण जनता ने दिया, जन आशीर्वाद यात्रा में कुर्सियां नहीं भर पाई और मन की बात कहने वालों को जनता ने बता दिया कि हमारे मन की बात सुनिए। 1 से 3 आपने किया 2020 में, अब 3 से 4 हो पाएगी या नहीं? मुझे लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर सी चल रही है। हम 3 की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरी 6 की बात कर रहे हैं। और इनके प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं, वास्तव में कांग्रेस एक इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बोझ। और बोझ कैसी है, इनका इतिहास देख लीजिए 9 साल पहले का, कितने भ्रष्टाचार किए, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, और नहीं 1962 से आपकी सरकार में घोटाले नहीं हुए, हमारी सरकार में कोई बता दिए मोदी जी के ऊपर कोई आरोप दो। नहीं नहीं, लेकिन मोदी जी कहाँ से आ गए, प्रदेश की बात हो रही है, प्रदेश चुनाव है, नेतृत्व तो हमारा है, प्रदेश चुनाव में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो हमारा जनता बताएगी, जनता बताएगी। आपसे बहस करने की मैं नहीं आया, आपसे बहस करने के लिए मैं आपकी जानकारी देना चाहता हूं। जो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में पटवारी परीक्षा हुई थी, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है, जो ग्वालियर के विधायक थे उनके कॉलेज से 15 बच्चे पास हुए, सेम रैंक आई है, सेम नंबर आए, जिसकी जांच अभी चल रही है। आप बताइए घोटाले क्या, बीजेपी घोटालों की पार्टी है, आज तक कोई जी सर A to Z तक, A से लेके Z तक के घोटाले कांग्रेस के खाते में है इन 60 सालों में। ठीक है ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच बीएसपी से भी हमारे साथ यहाँ पर प्रवक्ता जी हैं, नेता हैं, बताइए सर कहाँ है बीएसपी इस चुनाव में? बीएसपी हर जगह है, जहाँ भी आप देखेंगे आपको बीएसपी नजर आएगी। आप यहाँ देख लीजिए, इस तरफ भी सब लोग बैठे हैं, बीएसपी के समर्थक बहुत सारे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में बीएसपी है। समर्थक जिता देंगे आपको, जरा फोकस कीजिए समर्थकों पर। समर्थक हमारे हैं, जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे, हमको पूरा विश्वास है, बताइए जी। ठीक है भाई, आप बताइए, यहाँ पर मैं महिलाओं की भागीदारी देख रही हूँ, आप प्लीज खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अंशिता। अंशिका,
अंशिका क्या करती हैं आप? कॉलेज में हूँ, बीकॉम सेकंड ईयर। अंशिका क्या लगता है इस वक्त प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है? प्रदेश में मीन्स टू से अगर देखा जाए तो बीजेपी उस हिसाब से नहीं, कंट्री में तो कर रही है, कंट्री में तो कर रही है पर मध्य प्रदेश में नहीं कर रही है। दीप्ति जी रुक गए ताली बजाते बजाते। ठीक है, देश में आपको लगता है बीजेपी काम कर रही है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं कर रही? मध्य प्रदेश में नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, हम देख रहे हैं ना मध्य प्रदेश में उतना कुछ नहीं हो रहा जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बाइक छोड़ दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूं। इसलिए कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मिर्जापुर से। ठीक है, योगी जी का डंका बजता है, योगी जी का डंका बजता है, नो डाउट। मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी भी, हमारी बीजेपी सरकार वाकई बहुत अच्छी है, परंतु मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए जी। यहाँ तो सारे कार्यकर्ता लग रहे हैं पीछे जाते जनता के पास जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, इनके पास कोई सवाल नहीं है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़ गए हैं, रामकिशोर अग्रवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं हावी ना हो जाए, क्या इसीलिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया है? देखिए, इतने लंबे समय से सरकार होने से एंटी इनकम्बेंसी तो होगी होगी, वो तो स्वाभाविक है। अब प्रधानमंत्री का चेहरा तो बीजेपी हर चुनाव में आगे करती है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि इसलिए आगे किया है। ये म्यूट है ना? ठीक है, कोई सवाल पीछे से यहाँ पर जी? आइए आप आगे आइए। आपका नाम? माइक मेरे पास है। मैं अरुण राय। मेरा ओवरऑल ये मानना है, कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई अन्य, बेहतर वो होगा जो यहाँ का विकास करेगा। विकास यदि होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। केवल एक ही एक चीज मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये सारे हमारे शहर और परिवार के लोग बैठे हैं, यहाँ केवल विकास की बात होनी चाहिए और वो पार्टी को लीड हमें देनी है जो ऑन कर रहा है विकास की बात। ना, मैं ये अभी बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ, ये डिसाइड होगा 3 तारीख के बाद। ये अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ठीक है दीप्ति जी, कांग्रेस ऐसा क्या कर देगी प्रदेश के अंदर? देखिए, पहले तो मैं एक जवाब दूं, जहां तक घोटालों की बात हो रही है, हम दूर क्यों जाएं, अभी पास में ही नगर पालिका का मेला लगा हुआ है ग्राउंड में। 18,60,000 की निविदा हुई थी और 9 लाख में ठेकेदार से लेके दे दी गई। हमारे 1800 बच्चे महाराजा महाविद्यालय के, जिसका अस्तित्व तो खत्म कर दिया, वो अपने मूल्यांकन के लिए आवेदन कर रहे, कार्रवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, मन की बात सुनना बस जानते हैं, समझना नहीं जानते। उनके लिए स्ट्रेचर लेके अस्पताल में किराए से रखा जाता है और उसके चले जाने के बाद वो चला जाता है। ये विकास है, ये घोटाले हैं। हमारे महाराजा महाविद्यालय का अस्तित्व तो खत्म हो गया, ठीक है, घोटालों पे बात करें तो सामने नजर डाले तो ये तालाब है। यहाँ ऐसे कितने भाई हैं जो पीड़ित हैं इनके अतिक्रमण से। यहाँ पर ये कुछ कहना चाह रहे जी? यही, खड़े हो जाइए, आसन छोड़ा कीजिए महाराज। ये बताइए, जब कांग्रेस का शासन था तो लाइट कितने घंटे रहती थी? करीब लाइट रहती ही नहीं थी बिल्कुल। और सड़कों की बात, सड़कों की बात, अरे सुनो तो, कोई सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन। और सड़कों की बात, सड़कों की बात की जाए तो गड्ढों में सड़क रहती है, सड़क में गड्ढे नहीं रहते सड़कों की। अब लाइट कितना घंटे रहती है? अब तो 24 घंटे रहती है लाइट, 24 घंटे लाइट रहती है। सच है, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, सच है ये? लाइट कितना घंटे रहती है? 24 घंटे, 24 घंटे लाइट रहती है। देख लीजिए दीप्ति जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संस्कृत में कहा गया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी आपका ही कार्यक्रम लाइट के कारण डिले हुआ, इसको क्या कहेंगे? झूठ, कांग्रेस का झूठ। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बता दीजिए, क्योंकि आपका अनुभव देखिए आपके बालों से झलक रहा है। देखिए, जो हम जनप्रतिनिधि यहाँ से भेजते हैं, उन जनप्रतिनिधियों से सरकार बनती है, उस सरकार की जो पॉलिसी होती है उससे हमारा डेवलपमेंट होता है। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, सरकार की पॉलिसी महत्वपूर्ण होती है।
इसलिए हमें ऐसे प्रतिनिधि को बनाना है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए परफेक्ट है। इन 20 सालों में जो तरक्की मध्य प्रदेश की हुई है, इसके पहले से लेकर अभी तक का आप उसको एक नज़र में आप सब लोग देखते हैं, तरक्की हुई है 20 सालों में, तरक्की हुई है, बताइए तरक्की नजर आती है 20 सालों में आपको प्रदेश के अंदर? छतरपुर में तरक्की के नाम पर 18-20 साल भाजपा को हो गए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। जो यहाँ के विधायक 10 साल रहे हैं, ललिता यादव कुछ नहीं किया, तो बार बार जनता क्यों चुनती है? जनता भारतीय जनता पार्टी की बातों में आ जाती है, ये लोग बहुत बड़े झोंका पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 20 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, 9 साल से केंद्र में सरकार है, प्रतिदिन 500 से 1000 गायें रोडों में कुचली जा रही हैं, आपने उनके लिए व्यवस्था की क्या की है, ये मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जी। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे। एक बात मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने गायों के लिए जितना किया है उतना कांग्रेस ने कभी नहीं किया। नहीं, गौशाला सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपसे बहस करने नहीं आया, लेकिन मेरा उत्तर तो सुन लीजिए। सवाल पूछा है आपने तो जवाब दीजिए। सैकड़ों गौशालाएं खुली, उसके बाद आप सब दोषी हो, क्योंकि गाय आप पालते हो और छोड़ देते हो सड़क पे, गाय आप पालते हो और छोड़ देते हो सड़क पे, या आपको शर्माना चाहिए, आपको शर्माना चाहिए कि गाय को माता कहते हो, छोड़ देते हो उसको मरने के लिए, ये आपका दोष है, ये आपका दोष। मैडम हमारा कहना यह है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस जाती है, कांग्रेस हमेशा इस देश में जातिवाद फैलाती है, लोगों के बीच में घृणा फैलाती है, वैमनस्य फैलाती है। इस कांग्रेस ने वहाँ पर नारे लगे राजस्थान में, सतन से जुदा, और कन्हैया लाल का सतन से जुदा हुआ। इस देश में कम से कम 10 लोग उस सतन से जुदा के नारे के कारण मारे गए। नूपुर शर्मा को सही स्टेटमेंट देने के कारण भी उसको इतने जी कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने का आरोप लग रहा है कांग्रेस पर। देखिए अब हो गया हो तो एक बार जोर से बोलो सियावर रामचंद्र की। ये वो लोग हैं जो भगवान राम को माँ जानकी से अलग करते हैं, ये कभी सिया राम नहीं कहते, जय जय श्री राम कहते, तो माँ जानकी को उनके साथ जोड़िए। दूसरी बात, इस दौरे सियासत का मुझे बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। और रही बात छल कपट और झूठ की, तो भाई मेरे अपनी अंतरात्मा से पूछो, 2014 के पहले आप ही का सवाल ले रही हूँ। नारायण काले जी, क्या ऐतराज है बीजेपी को जय सियाराम से? मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, जिनने राम को नकार दिया वो सियाराम की बात कर रहे हैं, जिनने राम के अस्तित्व को नकार दिया, जिनने राम मंदिर बनने नहीं दिया, राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। पीछे से, अगर पढ़े लिखे लोग यहाँ हो तो इतिहास में क्या करते हैं? जी मेरा नाम कपिल रावत है, मैं वर्तमान में एडवोकेट के रूप में छतरपुर में कार्यरत हूँ। सुन लीजिए, मेरा एक प्रश्न है आप सभी से। आप ही के क्षेत्र की जनता है सर, सुन लीजिए। आप सभी से मेरा प्रश्न एक है कि छतरपुर की जनता, खासतौर से यहाँ का जो युवा वर्ग है, वो रोजगार वंचित है। 20 नहीं, आप तो 50 साल, 70 साल, 30 साल का भी रिकॉर्ड निकालेंगे। अब तो आप देख लीजिए, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, अच्छे अच्छे उद्योग धंधे हर क्षेत्र में खुल रहे हैं, पर छतरपुर, विशेषकर छतरपुर की जनता के पास ना तो कोई रोजगार है, ना कोई बड़ी फैक्ट्री है, मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं कैसा 10 साल से चल रहा है। क्यों नहीं है, जवाब दीजिए, क्यों नहीं है? मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्टार्टअप, मैडम दोनों स्टैंडअप और मुद्रा योजना चलाई, जिससे आदमी स्वरोजगार पैदा करके दूसरों को रोजगार दे रहा, दूसरों को रोजगार दे रहा स्टार्टअप से। उससे ठीक है, रोजगार मिल रहा है क्या? नारे लगाने के अलावा कुछ और करते हो खड़े हो? क्या नाम है? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव, क्या करते हो? पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? बीए कर रहे हैं। बीए कौन सा वाला? बीए सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर है। बीए सेकेंड है, फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है तो बीए कौन सा है? बीए ऑनर्स है, बीए पास है, कौन सा? बीए पास। बीए पास। धर्मेंद्र बताओ क्या कहना चाह रहे थे?
हमें कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, क्योंकि हमारी बनी कला से ही लीजिए, बनी कला में स्कूल था 8 तक, आज 12वीं तक स्कूल हो गया है। ललिता जी विधायक बनी, जब से उनने विधायक जी ने हमारे यहाँ पर स्कूल किया है, कांग्रेस के लोगों ने कुछ किया ही नहीं। 5 साल कर गई, उनने बनवा दिया गेट के, जिसको अगर नफरत होगी तो उस पर जाओ, जूरा बांधो, लटक जाओ। और गेट के अलावा क्या हुआ है? पूरे छतरपुर जिले में सिर्फ गेट ही बने और कुछ हुआ ही नहीं है। घर जाके अपने आपकी समर्थकों के बीच में ही गई थी, आपने दिखाया था समर्थकों के संख्या, नहीं नहीं हुए थे। आप बताइए, मैंने कहा ना कि बीएसपी कहाँ स्टैंड करती है, बताइए। आपका एक भी समर्थक खड़े होकर जवाब नहीं बोला, कौन जवाब पूछे बताइए। सर मैम, 10 साल में बीजेपी रही, 5 साल कांग्रेस रहा, किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं। इस बार हम बदलेंगे सरकार। आप बदलोगे? किसकी बनेगी इस बार? बीएसपी की। बीएसपी सरकार बनेगी, ठीक है, बीएसपी सरकार बनेगी। हल्के में ये रही है, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं है, बल्कि मत लीजिएगा। त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला, मैं तो मान रही हूँ ये बात। बात नहीं करती आप। मेरा नाम युवराज है और मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस की, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की सीट की, 10 साल छतरपुर की, छतरपुर सीट की पर्सनली बात कर रहा हूँ मैं। 10 साल रही है यहाँ पे बीजेपी, ठीक है, उन्हें उनको भी बहुत अच्छे से लोगों ने देखा है। और 5 साल रही है कांग्रेस, ठीक है, उन्हें भी बहुत अच्छे से लोगों ने देखा है। अब बारी यहाँ छतरपुर सीट की बदलाव की है। यहाँ क्या होता है, जब लोग 10-15 साल राज कर लेते हैं ना, तो उन्हें घमंड आ जाता है। तो हमें पर्सनली ये सीट बदलनी है, इस जनता को बदलनी है। ये सबने सोचा है कि छतरपुर सीट बीएसपी की ही आएगी, ठीक है। अहिरवाज जी, जी जनता किसी को हल्के में नहीं लेती है, जी जी। जो राजनेता है वो जनता को हल्के में लेते हैं। नहीं मैडम, मैंने जनता से हल्के में नहीं कहा मैडम, आपके लिए कहा मैडम, आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं। नहीं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन ज्यादातर सवाल बीजेपी और कांग्रेस के, सवाल अब आपसे है। जी जी, क्या प्रदेश में कोई घोटाला हुआ था? प्रदेश में तो घोटाले सब नहीं, वहाँ कैमरे क्या, कांग्रेस ने भी किए और भाजपा ने भी किए। नहीं, अभी हाल में कोई घोटाला हुआ था? भाजपा ने जो घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला तो उनका जो भर्ती घोटाला हुआ है, पटवारियों की भर्ती में आपने देखा किस तरीके से हुआ है कि एक एक परिवार के 6-6 पटवारी बने और मेरिट में उनके नाम आए, जिन पे ABCD में चेंज मैं नहीं मैडम, मध्य प्रदेश की राजधानी बता नहीं पा रहे, उनके घोटाले आए हैं सामने। अच्छा, इतने बड़ा घोटाला हुआ, इस बड़ा घोटाला। संजीव कुशवाहा कौन है जी? संजीव कुशवाहा कौन है? संजीव कुशवाहा जी, उस घोटाले का ही बहुत बड़ा पात्र है जी। लोग अब कहाँ है जी? अब कहाँ है? अब इस समय जो है स्थिति बदल गई है। नहीं नहीं, क्या बदली है? बात सुनिए पहले। नहीं नहीं, क्या बदली है? आप सुनिए पहले, सुनिए पहले। सवाल नहीं पूछ रही, बताइए। आपको ये सवाल करने चाहिए कि जितना भी बता दीजिए, संजीव कुशवाहा कौन है? संजीव कुशवाहा कौन है जी? संजीव कुशवाहा कौन है? आप मेरी बात को जो कहना सुनना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मैडम आपको, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। आप ये सवाल कभी बीजेपी से करिएगा कि जो भी उनके साथ जाता है ना, उनके पास जो भी जाता है तो वो अपने आप ड्राइकिंग हो जाता है। बड़े बड़े देश के स्तर से, केंद्र के स्तर से तक है कि बड़े घोटाले बाद जाते हो, साफ हो जाते हैं वहाँ पर बीजेपी में जाके। सर क्या टेम्परामेंट से भाग पा रहे हैं आप छतरपुर सीट का? हाँ हाँ सर, छतरपुर का बता दीजिए। छतरपुर सीट ये बीएसपी जो अपनी बात कर रही है, ठीक है, लेकिन छतरपुर क्या पूरे मध्य प्रदेश में केवल भाजपा और कांग्रेस दो ही ऐसे दल हैं जिनकी अभी तक सरकार बनती आई है और आगे भी इन्हीं की बनेगी। अभी बीएसपी का उतना वोट बैंक नहीं हुआ है। नहीं करता हूं, कोई भविष्यवाणी कर सकता है? कोई कोई इस तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है किसी की सरकार ही बनेगी, ये भविष्यवक्ता कोई नहीं बन सकता है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी लोग खड़े हैं, यहाँ पर ठीक है जी, बताइए जो है सही है, लेकिन अब भविष्यवक्ता नहीं हो सकते, भविष्य के बारे में नहीं बोल सकते कि किसकी सरकार बनेगी। पूछना चाहते हैं, एक सरकार पलटी है इसी तरह, इसी जनता का सवाल सुन लीजिए सर। आज नस्तनाबूद हो गई, हम यही कहना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? अमित अर्जरिया है। क्या करते हैं आप? एजुकेशन सेक्टर में बीएससी कर चुके हैं, टीचिंग का काम करते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि 15 साल इस सीट पर बीजेपी रही है, 5 साल कांग्रेस रही है, लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो लगातार 18 साल से राज कर रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन लाडली बहना या अन्य योजनाएं सरकार की जो है वो 18 साल से क्यों लागू नहीं की गई और अन्य जो योजनाएं अभी तक क्यों नहीं आई? ये चुनावी समय में सारा जो लॉलीपॉप है अभी ही क्यों दिखाया जा रहा है? नारायण जी, चुनावी समय में ही बहने क्यों याद आती हैं? देखिए, हमने जब हम आए थे सरकार में,
हमने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, वो बहनों के लिए थी, वो पुरुषों के लिए नहीं थी। और फिर उसके बाद हमें लगा कि बहनों को भी सशक्तिकरण होना चाहिए, और इसीलिए हमने लाडली बहना लाए, हम कन्यादान योजना लाए। आपको आश्चर्य होगा, हम निशुल्क कन्यादान कराते हैं महिलाओं के लिए। हमने आज से हम नहीं चेते, हम 18 साल से चेते, 70 साल इनने राज किया, इनने कभी बहनों के लिए नहीं, लेकिन अभी चुनाव के समय क्यों याद आई? आप क्या कार्यकर्ता? दोनों एक ही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों एक है, 1.5 साल सरकार कांग्रेस की। अरे अग्रिम पंक्ति में बैठे जनता सवाल पूछ लो महाराज। जी जी पूछिए ना मैडम। आप क्या नाम है आपका? लक्ष्मी साहब। क्या आप कार्यकर्ता है पार्टी की? तो जब आप घर घर में जा रही हैं, महिलाओं और बहनों से मिल रही होंगी, तो क्या कह के उन्हें समझा रही हैं? क्या कह रही हैं? कुछ नहीं बोल रहे, तो बिना समझे ही समझ गई हैं। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के समय में ही क्यों याद आई? नहीं नहीं, शुरू से किए हैं, जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, कोई झूठे वादे नहीं किए पार्टी। वादे किए हैं पूरे किए हैं। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीछे दिख रहे हैं मुझे, पटका गले में है उनके, कोई सवाल यहाँ से पूछना चाह रहा था। आप सर खड़े हो जाइए प्लीज। नाम क्या आपका? ओम प्रकाश पटेल, एडवोकेट। मेरा सवाल ये है कि जब जब चुनाव आता है मध्य प्रदेश भोपाल के किसी न किसी कार्यालय में अक्सर आग लगती है। जैसे वर्ष 2013 में सतपुड़ा उसमें विंध्याचल भवन में आग लगी थी, वर्ष 2018 में बल्लभ भवन में आग लगी थी, और कल ही सतपुड़ा भवन में जहां शिक्षा विभाग के मूल दस्तावेज रखे थे सारे के सारे जलकर खाक हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर प्रदेश में आपकी सरकार है, सवाल आपसे। प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनमें किसी का नियंत्रण नहीं होता। कागजों पे आती है, किसी का नियंत्रण नहीं होता इसमें। कागजों पे आती है प्राकृतिक आपदा। कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि सेना तक तो वहां बुझाने के लिए आना पड़ा। राज्य शासन ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की, ना इनका कोई ऐसा कर्मचारी वहाँ गया। आखिर ऐसा होता क्यों है बार बार ये घोटालों की? ठीक है, आइए आप आगे आ जाइए, उतनी भीड़ में मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या नाम है आपका? श्याम व्यास मेरा नाम है। मेरा बीजेपी के नेतृत्व, बीजेपी के कार्यकर्ता से सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी राज्यों में चुनाव है, तो ये बीजेपी कब तक केंद्र के नेतृत्व के दम पर वोट मांगती रहेगी? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है, मैं कुछ घोटाले के नाम चाहता हूँ। 18 साल मामा जी का राज रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी महाकाल लोक में मूर्तियों का घोटाला हुआ, उसमें मूर्तियां गिरी, एक। दूसरा मुद्दा है कि अभी आदिवासियों में अगर देखा जाए तो नंबर वन है मध्य प्रदेश अत्याचार में। तीसरा, जो घोटाले भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो सरकारी नौकरियों में आरोप लग रहे हैं, उन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नारायण कॉलेज जी, हैट्रिक मार दी सवालों की। जो महाकाल की बात इनने की है जी, वो एक दुर्घटना थी, वो एक दुर्घटना थी। आप जाके फिर से देख लीजिए कि कितना सुंदर हो गया है। इनने तो कभी कांग्रेस ने कभी विचार ही नहीं किया। साढ़े तीन सौ करोड़ बजट था उसका। विचार ना कांग्रेस करती ना ही भाजपा करती, विचार कोई नहीं करती। अभी अब वो लोग पूरा नहीं हुआ, उसका काम चल रहा है, अभी देख के आ जाइए आप। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। घोटाला करने के बाद पता चलता है। मैं आपको दो बातों के प्रत्यक्ष तो देख ही लिया ना सबने जी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, आप कार्यकर्ता हैं? जी। कितने समय से कार्यकर्ता है? मैं खजुराहो लोकसभा सचिव हूँ। अच्छा, चुनावी तो नहीं है? चुनावी नहीं हूँ मैं, आपको प्रूफ दे सकता हूँ। नहीं नहीं, आप बताइए। मेरा सवाल सवाल क्या मतलब, भाजपा और कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, तो आज हमारी छतरपुर जिले की ये पोजीशन में है कि 1 रुपए में खाना भरपेट खिलाया जा रहा है। ये 70 साल में विकास है हमारे छतरपुर में। कहना क्या चाह रहे हैं? अब आप समझ जाओ और लोग समझ। सीधा कहिए ना, आप पार्टी के कार्यकर्ता सीधा नहीं कह रहे। आपके दिल्ली वाले मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ कह देते हैं वहां से। मैम दीप्ति जी, जी जी जवाब दीजिए। ये जो हमारे भाई बोल रहे हैं, ये एक मिनट, ये जो हमारे भाई बोल रहे हैं, ये इनके लिए और पूरे छतरपुर के लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि छतरपुर में एक विधायक ऐसा हुआ है जो अपने स्वयं के व्यय से हजारों भूखे जो जी बोल रहे हैं ना, जो जी बोल रहे हैं, ये सब प्लानिंग के तहत बोल रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन की जब लोगों को जरूरत थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीप्ति जी करना है आपको। लेडीज पर सुना है ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों अपना हक क्यों छोड़ोगे तुम? पहले आई हो ना आगे। नाम क्या आपका? मेरा उमा अहरवाल। अच्छा बताइए। मैं बीएसपी से नगर अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मौसेरे भाई हैं, ठीक है? चाहे इधर से ले चाहे इधर से ले, ठीक है?
और जो लोग झूठे वादा करते हैं चुनाव के टाइम पर सब कुछ बांटते हैं, अगर देना ही है जनता है तो 18 साल पहले काहे नहीं दिया, एक साल देते हैं कि लाडली बहना मामा है वो भांजी हैं, एक साइड भांजियों पर रेप होता है तो कुछ नहीं बोलते हैं, एक साइड कहते हैं हम 1500 रुपए देंगे कांग्रेस हो वो चाहे बीजेपी हो, एक साथ कहते हैं हम 1200 चुनाव के वक्त आते हैं। जी आइए आप आ गई है, क्या बोलना चाह रहे थे, नाम क्या आपका? मैम माइक, मेरा नाम अभी, अरे माइक मेरा हथियार है भाई, तुम बोलो ना आवाज जाएगी माइक। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि मैम ने बोला अभी हाल के जी, जैसा कि मैम ने बोला कि 1 रुपए में हमारे विधायक जी खाना खिलाते हैं, तो ये एक सोशल वर्क है, इसको आप अगर इस पे आप वोट मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे ना तो ये बहुत गरीब, एक गरीब इंसान का हक छीन रहे हैं आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि आप उसके खाने पे सवाल उठा रहे हैं, वो तो मैं भी खिलाता हूँ, मैं भी करता हूँ सोशल वर्क, यहाँ के लोग बैठे हुए भी सोशल वर्क करते हैं, तो क्या वोट मांगने लगे उस पर, क्या वोट मांगने लगे उस पर? नहीं नहीं एक नहीं, मैं 1 रुपए में नहीं, मैं फ्री में खाना खिलाता हूँ, मैं वोट मांगू उस पर, मैं वोट मांगने लगू कि भाई मैं खाना खिला रहा हूँ, मुझे शांति धारण करिए, शांति चित्त से। मैडम क्या सिटी में क्या किया इन्होंने, सिटी में क्या कर दिया आपके भाजपा कांग्रेस ने, क्या कर दिया सिटी के अंदर? ये तो वाकई में 1 रुपए में खाना खिलाते हैं ना, ये बहुत बड़ी फोटो खींचते हैं मैडम जी, ये क्या करते हैं 1 रुपए में खाना खिलाते हैं ना, उस गरीब व्यक्ति की फोटो खींचते हैं और फोटो खींच के बालकृष को अपमान करते हैं, एक गरीब का बहुत बुरी तरीके से अपमान करते हैं, जिस तरीके से खाना खिला दिया, वीडियो बना लिया, बाल कर दिया, ये बेइज्जती है गरीबों की, खाना खिलाने तो अलग पहलू है। लेकिन बड़ा सवाल तो नेताओं से ये होना चाहिए कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है? सुनिए आप, पहले वोट की राजनीति करते हैं मैडम खाना खिलाने के लिए, खाना ही अपने घर से नहीं खिलाते हैं। बोल नहीं रही हूँ तो अब आप सुनिए, भाई ने जो प्रश्न किया और उत्तेजना को शांत करिए, अगर यही ऊर्जा आप देश के विकास में लगाएंगे तो काम आएगी। कांग्रेस को बहुत पहले सोचना चाहिए था कि विकास में ऊर्जा इस्तेमाल करते, उनने विकास के लिए ऊर्जा इस्तेमाल नहीं की, इसलिए तो ये हालत है। सौ के लिए तड़प रहे थे तब वही विधायक थे जो यहाँ ऑक्सीजन बांट रहे थे, और आपकी बीजेपी की प्रत्याशी शिवराज सिंह जी से कह रही थी कि सब अच्छा है, रही बात वोट मांगने की, पूरा सुनिए, हमने यहाँ वोट नहीं मांगा, पूरे बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों लोग ही राजनीति के लिए, एक बार शिवराज सिंह सरकार ने जो वादे किए वही वोट के लिए करते हैं ना, ये रसोई की यही राजनीति करते हैं, आप इनको धकेल कर क्यों आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि पहले एक राष्ट्रीय जीजा होते थे, नीचे टिप्पणी मत कीजिए, सवाल है ना तो सवाल पूछिए ना, पूछ रहा ठीक है, समय तो खत्म हो गया मेरे पास, सवाल मैं पूछूंगी अपने समय के मुताबिक पूछूंगी, आप नहीं धमकाएंगे मुझे, आप नहीं धमकाएंगे मुझे, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं धमका सकता है मुझे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ना बीएसपी वाले, ना बीजेपी वाले, ना कांग्रेस वाले, ना ही आम आदमी पार्टी वाले, कोई धमकाएगा नहीं, समय हो गया है मेरा, देखिए चुनाव एक्सप्रेस लगातार जारी रहेगी, ये सफर हमारा जारी रहेगा और हम निकलते रहेंगे सवाल पूछने के लिए, चाहे कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता कितनी नारेबाजी कर ले, कितने भी स्लोगन यहाँ पर लगा ले, लेकिन सवाल पूछने का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए।